आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की युवती ने शहीद नगर भगत सिंह मूर्ति निवासी युवक पर गंभीर आरोप लगाए। युवती के मुताबिक 5 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा, 2 बार गर्भपात करवा दिया, 3री बार गर्भवती होने पर शादी का दबाव देने पर सऊदी अरब भाग गया। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। युवती का आरोप है कि वापस आने पर जेल जाने के डर से युवक और परिजनों ने उसका धर्म परिवर्तन करा निकाह करवा दिया और मुकदमा खत्म करवाने के लिए युवती से समझौते के कागजों में साइन करा लिए और फिर दुकान खोलने के लिए दहेज में 2 लाख लाने की कहकर घर से निकाल दिया। वह 1.5 साल के बच्चे को लेकर सदर थाने और चौकी शहीद नगर पर चक्कर लगा रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जानकारी पर इस मामले को लेकर बजरंग दल और गौ रक्षा के जितेंद्र देपुरिया, बंटी ठाकुर सहित पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने युवक पर कार्यवाही को लेकर शहीद नगर चौकी पर प्रदर्शन किया। एसओ सदर ने बताया कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मैं जगदीशपुरा की रहने वाली हूँ और समीर नाम का हेयर सैलून की दुकान है, वहाँ सादिक नाम का लड़का रहता था और उसने मुझसे कॉन्टेक्ट पहले किया। उसके बाद 1 सम्मर बनाए, फिर उसके बाद सादिक का झांसा दिया और 2 बार मेरा गर्भ गिरवा दिया, 3री बार मैंने रोका। फिर इसके बाद वो शादी की मैंने बोली तो वो भाग गया सऊदी अरब विदेश में। उसके बाद 2 साल के बाद आया, उनने मुझे शादी के लिए बोला फिर से कि मैं शादी कर लूँगा, ये सारे जितनी भी कार्रवाई की है उसको ख़त्म कर दे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरी कोई, मुझे नहीं पता क्या विवेचना हो रही क्या नहीं। और जो अमीर रहमत नाम है उनका, जो मुस्लिम है वो भी, तो उन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने मेरा बार बार साइन करवाए कागज़ पे। मैं नहीं, मुझसे ये कहते हैं कि राजीनामा हो गया पर मैंने अभी तक किया नहीं। निकाह हो गया 1 तारीख को, वो मतलब 21 तारीख है, 21 तारीख। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे लेके गए थे घर पे 21 की रात को और 22 की रात, 22 तारीख की सुबह को उन्होंने मुझे भगा दिया, मारपीट किया, भगा दिया था। उसके बाद रखने के लिए मना करते हैं। लड़का भी नहीं है यहाँ से, उनके माँ बाप ने रात ही में मुझे भगाने के बाद उसको भी हटा दिया है। मतलब अब मेरे को उसकी पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उनके माँ बाप को पूरी सूचना उन्हीं को मालूम है। मैंने की थी, सदर थाने गई थी और यहाँ चौकी इंचार्ज पे भी आई थी, तो उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए और उन्होंने मुझे भगा दिया, मेरी FIR दर्ज नहीं की। तो आज क्या हुआ फिर, आज क्या मामला बना? आज बोला है कि जो मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैंने आज उनसे कहा है कि वो कहते हैं आधे घंटे बाद हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई चालू है तो मैं हो जाएगी और आधे घंटे के बाद आपको। शादिक मोहम्मद। आज आपको अवगत हो कि करीब, ये बहुत पुराना मामला है, करीब 2 साल पहले एक जो हिंदू लड़की को और जो है बहला पुसला करके पहले भी अपने जाल में फंसाया था और करीब 1.5 साल पहले इस पर FIR दर्ज भी हुई थी महिला थाने में, एक सागित नाम का मुसलमान लड़का है उसके ख़िलाफ़। वही मामला अब पुनः भी आया है क्योंकि जो पिछली 21 तारीख को उसी सागित ने और पिंकी नाम हिंदू लड़की को जो है बहला पुछला करके धर्म परिवर्तन करके और उनसे जो है निकाह किया है। मुकदमा दर्ज हो गया था, फिर उन्होंने दोबारा से कोई कार्रवाई? सन 2018 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें कार्रवाई चल रही है, वो ट्रायल पर चल रहा है, उसी को ख़त्म करने के प्रयास से जो साकेत नाम जो मुसलमान लड़का है उसने जो है उस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए ये जो निकाह का जो प्रोग्राम जो बनाया उसने बहला पुछला करके कि हम तुम्हें रखेंगे और भी जो भी प्रबोलन दिए, वो सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि उन्हें जो है अपने मुकदमे को ख़त्म कराना था, तो इसीलिए उन्होंने बहला पुछला कर इन्हें जो है धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लिया। घर से निकाल दिया, फिर आज क्या हुआ है? ऐसे ही पहले भी निकाल दिया था जब ये जो है उनके बच्चे की जो है माँ बनने वाली थी, जब भी उन्होंने परिवार ने भगा दिया था। अब फिर उन्होंने लालच में लिया क्योंकि वो जो पिछला केस है वो ट्रायल पे था, सबको जो है जेल जाना पड़ता, तो किसी वकील ने उन्हें राय दी कि जो है उस मुकदमे में जेल जा सकते हैं, अगर इससे निकाह हो जाएगा तो बच जाएंगे, तो पूरे परिवार ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और ये 4-6 दिन वहाँ रही भी। फिर जब जैसे ही निकाह हो गया तो दोबारा इन्हें फिर भगा दिया। आज पीड़ित पक्ष जो है, जो लड़की है उसके साथ संगठन खड़ा हुआ है, आज तहरीर दिलवाई है, उन पर पुनः FIR दर्ज कराने का प्रयास है, बात भी हुई है आज जो है SHO थाना सदर से, उसमें सख्ती से सख्त कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने, जो जो लोग इस शामिल हैं इस निकाह में, जो भी धर्म परिवर्तन करा करके
जिन्होंने ऐसा जो घिनौना काम किया है वो सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तो ये लॉकडाउन का जो है बहाना चल रहा है, बाकी लॉकडाउन ख़त्म होते ही इस कार्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रियता से कार्य करेंगे और ये जो ऐसे लोग हैं इन लोगों को घरों से ढूंढने का कार्य करेंगे जो हिंदू बहन बेटियों को अगवा करके बहला फुसला करके ये जो कृत कर रहे हैं ऐसे लोगों को सख्त सजा देने का काम बजरंग दल करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।